नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज का तीसरा मुकाबला हो चुका है और भारतीय टीम ने मुकाबला जीतकर सीरीज में एक शानदार वापसी कर ली है और अब सीरीज जीतने की उम्मीदें भी इंडियन टीम से बरकरार हैं। लेकिन इस मुकाबले में क्या हुआ वो बताते हैं आपको, और प्लेयर ऑफ द मैच ने क्या कहा आखिरी में आकर जब उनसे बातचीत की गई उसको भी बताएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक देखिएगा कि इस वीडियो में प्लेयर ऑफ द मैच ने क्या कहा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान तेंबा बबूमा ने फिर से लगातार तीसरी बार टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, और वहीं इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने शानदार ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए एक सॉलिड शुरुआत भारतीय टीम को दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना पहला पचासा लगाया इस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय करियर का। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच बने आखिरी में युजवेंद्र चहल। जी हाँ, युजवेंद्र चहल बने प्लेयर ऑफ द मैच क्योंकि उन्होंने इस तरीके की गेंदबाजी की। भारतीय टीम ने 178 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीकी टीम को, जिसको साउथ अफ्रीकी टीम डिफेंड नहीं कर पाई और 131 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन उसमें अहम योगदान था युजवेंद्र चहल का। ये युजवेंद्र चहल ने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन दिए और सिर्फ 3 विकेट लेने में वो कामयाब रहे युजवेंद्र चहल। और उनसे जब बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि आपकी इस आज की बोलिंग का राज क्या है, कामयाब क्या है, तो युजवेंद्र चहल ने कहा, देखिए मैं पिछले जो 2 मुकाबले मैंने खेले उन मुकाबलों में मैं महंगा साबित हुआ। मैं अपने स्लाइडर्स ज़्यादा डाल रहा था और गेंद में फ्लाइट ज़्यादा दे रहा था और गेंद की गति ज़्यादा रख रहा था, जो कि मैंने कम किया। आज मैंने लेग स्पिन पर काफ़ी फोकस किया, आज मैंने गेंद की गति धीमी रखी और अपने बेसिक्स पर फोकस किया, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब बल्लेबाज आपके खिलाफ रन बनाता है या फिर रिवर्स स्वीप खेलने को देखता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मेरे पास मेरे दिमाग में प्लान ए और प्लान बी दोनों ही था। अगर बैट्समैन कुछ ऐसा करता है मेरे खिलाफ तो मेरे पास प्लान बी भी था और जिसके तहत मैंने फील्ड सेट भी कर रखी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे कोच हैं और जो मेरा टीम मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे काफ़ी बैक किया, और कोच साहब ने बोला कि आप अपने बेसिक्स पर ही फोकस रखिए, और मैंने आज के मुकाबले में सिर्फ बेसिक्स पर फोकस रखा, गेंद की गति में थोड़ी कमी की मैंने और फ्लाइट कम दी गेंदों को, जिससे गेंदबाजों को काफ़ी तकलीफ हुई मेरे खिलाफ रन बनाने में और मैंने 3 विकेट्स हासिल किए। तो ये युजवेंद्र चहल ने कहा, अपनी कामयाबी का राज बताया बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो साथ ही साथ कमेंट कर आप हमें ये भी बताइए, अपनी राय रखिए कि युजवेंद्र चहल ने जो कहा आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या क्या कुछ और उनकी कामयाबी का राज है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। We'll be right back.